ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें भी नजर लग सकती है अजनबियों से। कहिए क्या काम है? विशेष नाम है हमारा, रात रानी खाली कराने हैं। हम औरतों की रोजगारी से दिक्कत है या फिर मर्दों का तनाव बढ़ाना चाहते हैं आप? समाज पे जो धब्बा है उसे उखाड़ के फेंकना है। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? वो समाज जो छिप छिपा कर हमसे मिलने आते हैं या फिर वो समाज जो सिर्फ हमारी कमियां ढूंढते हैं? वो समाज जो इस गंदे काम से परेशान है, वो समाज जो इन गलियों में आके अपनी आंखें नीची करके चलता है। जिसे आप गंदा काम कह रहे हैं ना, वो हमारे पेट पालने का जरिया है, हमारे सर पर छत पाने का जरिया है, किसी अपने के ना होने के बावजूद परिवार पाने का जरिया है। और तो और, जो आंखें नीचे करके आते हैं ना, उनके मन में खोट है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? गंदे काम करके पैसे कमाना और उस पर अय्याशी करना, यही तो फितरत है तुम जैसी औरतों की। हमारी फितरत को आप क्या पहचानोगे? मर्द यहां सिर्फ गर्मी मिटाने आते हैं, हमें समझने नहीं। सुनो, ये सब करना वक्त नहीं हमारे पास। चाहते तो 10 लोगों को बुलाकर 5 मिनट में पूरा का पूरा एरिया खुदवा देते और सबको यही का यही कर। वाह, क्या अनोखा तरीका है आपका। आप हमें गाड़ोगे, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ की हर औरत एक बीज है। जितना अंदर गाड़ोगे ना, उतना उभर कर उठ कर आएगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोग इस धंधे में घुसकर। एक बात याद रखना, हमारी संस्कृति पर कोई आंच भी देने की कोशिश करेगा ना, फिर चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। किस संस्कृति की बात कर रहे हैं आप? संस्कृति का ठेका लेकर रखा है आपने। टीका लगाओ तो संस्कारी, ना लगाओ तो दुराचारी। राजनीति में 10 गलत काम करने के बाद दिखावे का 1 दान कर लिया तो संस्कारी। और अगर एक औरत मजबूरी में वेश्या बन गई, अपने परिवार का पेट पाल रही है तो दुराचारी। समाज के दुश्मन तो आप, जिसने इस समाज को सही और गलत का ऐसा उदाहरण दिया है, जिसे हम सही को गलत और गलत को सही समझने लगे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। खुद को ठेस पहुंचाकर क्या मिला आपको? हमारा क्रोध आप सह नहीं पाती, कहीं ना कहीं तो निकलना था। क्रोध? पर आप तो हमारा वजूद मिटाने आए थे। हमारे यहाँ शाम की बोनी के वक्त जो भी आए वो बहुत खास होता है, हम उसे ऐसे नहीं जाने देते। पत्थर से बने हम, जो काम करने आए थे वो करके ही जाएंगे। ठीक है, हम नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन हम भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। नफरत करते हम वैश्या शब्द से और ऐसी औरतों से बहुत ज्यादा नफरत। नफरत से तो जंग जीती जाती है, हमें तो आपका दिल जीतना है। आप जंग जीतिए, हम आपका दिल जीतेंगे। बस जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। हो तो क्या, छू तो लिया। वैश्या से नफरत है ना आपको?
पर क्या आपको पता है कि ये धंधा करने वाली औरतें अपना पेट काटकर सामने वाले वृद्धाश्रम को चला रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी बूढ़ा माँ बाप जिसे उसके बच्चों ने बीच रास्ते पर फेंक दिया है वो भूखा सोए। आप तो ये जरूर जानते होंगे कि रात रानी तोड़कर यहां एक मॉल बन रहा है। उस जगह जब अनाथ बच्चों का आश्रम बन जाएगा तो उसका उद्घाटन तुमसे करवा दी। एक बिल्डर ने यहां बहुत पैसे लगाए हैं। आया था हमारी अक्का को झूठे पैसे का लालच देने, लेकिन हमारी अक्का जान गई और वो मानी नहीं, क्योंकि हमारी रोजगारी के साथ साथ हजारों बुजुर्गों की जिंदगियां भी जुड़ी जिसे आपके समाज वालों ने अनाथ कर दिया। अब आपको तोड़ना है तो आप तोड़ दीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। हेलो, हरिओम। किशोर बाबू, काम हो गया ना? मिठाई बांटने का? ये रात रानी को तोड़कर मॉल बनने वाला है? सच सच बताना। किशोर बाबू, वो कहा है ना, हमको भी बाद में पता चला, हम आपको बताने ही वाले थे। समाज सेवा के नाम पे सौदा कर लिया तुमने तो हरिओम, गलती से कहीं दिख मत जाना, जिंदा गाड़ देंगे जमीन में तुम्हें। माफ कर दीजिएगा विशेष बाबू, गलती से मिस्टेक हो गया। कह देना उस विराट से इस रात रानी की इमारत को हाथ लगाने से पहले हमारे साये से गुजरना होगा उसे, बाकी तो तुम अच्छे से जानते ही हो। वैश्या शब्द से नफरत नहीं करते हम, हो सके तो माफ कर देना। सही और गलत की परख सीख के जा रहे, कुछ छीनने आए थे, कुछ दे के जा रहे। वेश्या क्या होता है? चुप, खबरदार, अगली बार ऐसी गंदा शब्द निकाला ना तो पंखे से लटका दूंगी। वो गंदा काम करने वाली औरतें जो है समाज का नाम खराब कर रही है, हमारे युवा का भविष्य जो है मिट्टी में मिला रही है। गंदे करके अज्ञातियां करती है, नहीं ईमान का पता ना भगवान का पता, ऐसे कुछ ये गंदगी, चल निकल यहां से। शाकुंतला का इस रात रानी का पूरा धंधा वही संभालती है, सिर्फ एक बार उसे कुर्सी से नीचे उतार दो, उस इमारत की नींव हिला दोगे तुम।